आप देख रहे हैं जेबीटी आवाज टीवी। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। भीम आर्मी चीफ तथा आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के द्वारा आज संविधान बचाओ यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस यात्रा की शुरुआत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से प्रारंभ हुई। चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया तथा बुद्ध वंदना भी की। जन्मस्थली के कार्यालय पर आजाद ने समाज पर हो रहे अन्याय तथा चुनाव को लेकर चर्चा की। देखिए 12 फरवरी 2023 को भोपाल में हमने एक बहुत बड़ी रैली की। उस रैली में हमने अपनी बहुत सारी मांगे जो यहाँ की जनता से जुड़ी हुई है, उनकी समस्याओं से जुड़ी हुई है, वो सारी मांगे जो हैं हम लोगों ने सरकार के सामने रखी। और फरवरी से आज हो गया है सितंबर, इतना लंबा समय हमने सरकार को दिया कि सरकार उन मांगों पे निर्णय ले। वो मांगे जनहित की हैं, मध्य प्रदेश की जनता से जुड़ी हुई हैं, मध्य प्रदेश की जनता को स्वाभिमान सम्मान का जीवन देने के लिए हैं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए। लेकिन जैसा कि लंबे समय से होता आया कि हमारी मांगों को मात्र ज्ञापन समझ के सरकार ने नकार दिया, और ऐसा आज से नहीं हो रहा, जब से देश आज़ाद हुआ और आज से पहले भी इस देश में रहने वाले SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को गैर बराबरी का शिकार होना पड़ा है। हमने सरकार को जो समय दिया था पूरा हो गया। अब हमें ये महसूस हो गया और हमारे लोगों को भी कि इन सरकारों के जरिए हमारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर कच्चे मकान पक्के नहीं हुए हैं, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिला है, ज़रूरतमंद लोगों को ज़मीन नहीं मिली है, कास्ट एट्रोसिटी बंद नहीं हुई है, तो हमें समझना चाहिए कि अब हमें ये लड़ाई अपने कंधों पर अपने सहारे से लड़नी चाहिए। तो अब आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नेतृत्व में हम पूरे मध्य प्रदेश में, जबकि हम इस काम को यात्रा के माध्यम से, सभा के माध्यम से पहले ही करें, लेकिन क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि है, बाबा साहब थे तो हम हैं, और आज जिस तरह से उनके संविधान पे भी ये खतरा ही है कि जब आप उनके संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। संविधान का जो उद्देश्य था वो ये था कि अंतिम व्यक्ति को भी रोटी कपड़ा मकान, स्वाभिमान सम्मान का जीवन, अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज और सुख सुविधाएं मिलके वो अपने वो बराबरी में खड़े होंगे, जैसे दूसरे लोग खड़े हैं वैसे वो भी उनके साथ खड़े होकर देश की तरक्की में योगदान देंगे। वो आज तक नहीं हो पाए, इसलिए अब आज़ाद समाज पार्टी के नेतृत्व में इस काम को हम लोग करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में हमारी यात्रा जाएगी। गांव-गांव, गली-गली, कस्बों में जाके हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे, वहाँ की समस्याओं को, जब भी हम लोग मीडिया से बात करेंगे वहाँ की समस्याओं को हम लोग रखेंगे। जैसे यही एक समस्या मेरे पास आई, एक साथी ने मुझे बताया कि अभी भी हमारे गांव में पक्की रोड नहीं है, तो इसका मतलब वहां के लोगों को जानवर से ज़्यादा सरकार ने नहीं समझा, तो ऐसी सरकारों से हमारे लोगों का कौन सा भला हो सकता है। इसलिए अगर रोटी कपड़ा मकान, स्वाभिमान सम्मान का जीवन चाहिए, कास्ट एट्रोसिटी बंद करवानी है, अच्छी पढ़ाई, अच्छा इलाज चाहिए और अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा करना है, तो हमें इस यात्रा के जरिए समाज को संदेश देना पड़ेगा। उसके लिए आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो क्या चुनाव भी लड़ेंगे आप लोग? चुनाव आज़ाद समाज पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ेगी, हो सकता है यहाँ की लीडरशिप से, क्योंकि समय कमी कारण देश भर में हम लोग संविधान बचाओ यात्रा शुरू कर रहे हैं, इस वजह से मैं इनसे नहीं मिल पाया। आज रात में हम लोग चर्चा करके और हम अपने प्रत्याशी भी डिक्लेयर करेंगे। पहले मायावती जी ने बहुत बड़ी पार्टी बनाई थी, बहुत अच्छी सरकार भी चली थी, लेकिन अब वो पूरी पार्टी बिखर गई है, क्या आपको लगता है उसका फायदा आपको मिलेगा या आप लेना चाहते हैं? एक बड़ा उद्देश्य है हजारों हजारों साल की गुलामी में जो समाज जिया हो उसको अपने पैरों पर खड़ा करना। उस दल के जरिए बहुत सारे उद्देश्य पूरे हुए, लेकिन बहुत सारे उद्देश्य अभी बाकी हैं, जैसे कि अभी हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हो पाए। समय समय पर जो ताकत बनती है
उससे लड़ाई का एक स्तर आगे चला जाता है। लेकिन आज हालात ये हैं कि आज संविधान पे भी खतरा है, आरक्षण पे भी खतरा है, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, अधिकारी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, इनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी और इनको हक अधिकार देने दिलाने की जिम्मेदारी भी समाज के नौजवान नेतृत्व ने उठाई। अब आज़ाद समाज पार्टी के जरिए, जहाँ बहुजन समाज पार्टी के जरिए हम बी पोजिशन तक गए, आज़ाद समाज पार्टी के जरिए हम देश में ए पोजिशन तक जाएंगे। यानी कि आज़ाद समाज पार्टी के जरिए भारतीय संविधान का सर्वोच्च पद, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर है, पोटेंशियल है, जिसको हम प्रधानमंत्री का पद कहते हैं, उस तक भी हमारी जो है ये यात्रा पहुंचेगी, ऐसा हमें विश्वास है। सर, इंडिया गठबंधन पे कुछ महिला रिजर्वेशन सरकार ला रही है, मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूँ, शर्त कि भारत की जाति व्यवस्था के आधार पर जो ऊंची जाति की महिलाएं वो तो राजनीति में है ही, और क्योंकि जो दलित पिछड़ी आदिवासी अल्पसंख्यक जातियों की महिलाएं उनको बहुत तरह की परेशानियां सहनी पड़ती है, जिसकी कोई जिक्र भी नहीं करता। अगर सरकार ये ला ही रही है बिल, तो जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 131 रिजर्व सीटें एमपी की, उनसे अलग जो आरक्षण वो महिलाओं को दे रही है, उसमें एससी एसटी ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण दे, जिससे कि वो भी अपने क्षेत्र से चुन के आके और अपनी समस्याओं के लिए संसद में आवाज़ उठा सके। ऐसा मेरा मानना है कि सरकार इस पर कुछ अच्छा सोचेगी, और अगर ये सिर्फ EWS की तरह अपर कास्ट की महिलाओं को ही संसद में बैठने का अवसर देना है, तो कहीं हद तक ये दलित पिछड़े वर्ग की महिलाओं के साथ धोखा होगा। सर, चुनाव में मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? चुनाव में मुख्य एजेंडा, अभी तो रोटी कपड़ा मकान ही मध्य प्रदेश में लोगों को नहीं मिल रहा है, अच्छे इलाज और अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल रही है। हम चांद पे चले जाएं और हमारे यहाँ लोग भूखे मरें, मंदिर और मस्जिदों के बाहर लोग जो हैं पेड़ हाथ फैला के पेट रोटी के लिए भीख मांगे, तो इससे ये पता लगना चाहिए कि देश किस कहाँ है। तो अभी बहुत ज़रूरी जो बुनियादी काम है वो पूरे हो जाएं, उसके बाद बहुत सारे एजेंडे हैं। मध्य प्रदेश के लोग रोज़गार के लिए महाराष्ट्र जाते हैं, इस पर मध्य प्रदेश सरकारों को शर्म आनी चाहिए। और जिस तरह से किसानों के मुद्दों पे सरकार ने आज तक कुछ कोई अच्छा कदम नहीं उठाया, और किसानों को अपराधी कहने सरकार चूक नहीं रही, ऐसी सरकार को जनता सबक सिखाने काम 2023 के चुनाव में करे। ठीक, थैंक यू।